हेलो स्टूडेंट, मेरा मगर शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे ट्रांसफर आरएनए के साथ। ठीक है, जो लास्ट हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने आरएनए के बारे में देखा था। वहां पर हमने मुख्य रूप से तीन आरएनए की स्टडी की थी। एक था हमारा ट्रांसफर आरएनए, एक था मैसेंजर आरएनए और एक था आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो वहां हमने तीन प्रकार की क्या देख लिए, आरएनए। यहां इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे ट्रांसफर आरएनए के साथ। ठीक है, कि ट्रांसफर आरएनए क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर आरएनए को। ये जो ट्रांसफर आरएनए शब्द है, ये जो टर्म है, शब्द मान लीजिए या फिर टर्म मान लीजिए, ये जो ट्रांसफर आरएनए टर्म या शब्द है, ये हॉगलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? हॉगलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। कौन सा शब्द दिया गया? ट्रांसफर आरएनए शब्द। जबकि इस ट्रांसफर आरएनए की जो 2D संरचना है, वो 2D संरचना होले नामक वैज्ञानिक द्वारा बताई गई थी। जबकि ट्रांसफर आरएनए की 3D संरचना का सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया है? किम नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए से संबंधित यहां पर हमें तीन वैज्ञानिक मिलेंगे। एक मिलेगा हॉगलैंड, जिन्होंने ये जो टर्म है, ट्रांसफर आरएनए जो शब्द है, ये शब्द दिया है। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको होले, इसने सबसे पहले यह बताया है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है, यह न्यूक्लियोटाइड यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई संरचना है। और इसके अलावा 2D संरचना के, ट्रांसफर आरएनए की जो 2D संरचना है, उस संरचना के बारे में भी किसने बताया? होले ने। उसके बाद इस ट्रांसफर आरएनए की जो 3D संरचना है, उस 3D संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? किम नामक वैज्ञानिक ने। तो तीन वैज्ञानिक आएंगे जिनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों की। जैसे कुल कोशिका में जितना भी आरएनए पाया जाता है, उसका 10 से 15% जो भाग होगा, वह भाग किससे बना हुआ होगा? इस ट्रांसफर आरएनए से। कितना प्रतिशत भाग बना हुआ होगा? 10 से 15% भाग। ठीक है, अगर इस ट्रांसफर आरएनए के अणुभार की बात की जाए, तो इस ट्रांसफर आरएनए का अणुभार होता है लगभग 25,000 डाल्टन। कितना होता है? 25,000 डाल्टन, जिसमें 74 से 95 तक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में 3-5-फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा बंधित होकर किस संरचना का निर्माण करते हैं? आरएनए संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांसफर आरएनए। और ये ट्रांसफर आरएनए करता क्या है? इसे ट्रांसफर आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा, ये जो प्रोटीन संश्लेषण होगा, उस प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस के समय यह ट्रांसफर आरएनए सक्रिय अमीनो अम्ल को मैसेंजर आरएनए पर क्या करता है? स्थानांतरित करता है, जिसके फलस्वरूप अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। और यही श्रृंखला आगे चलकर किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। तो ये इसका क्या है? कार्य है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपको पता है। जैसे कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये किससे मिलकर बना होगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड से। राइबो न्यूक्लियोटाइड किससे बने होंगे? फॉस्फेट समूह प्लस न्यूक्लियोसाइड से। ये न्यूक्लियोसाइड किससे बने होंगे? ये बने होंगे नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर,
पंच शर्करा से। यहां जो नाइट्रोजन शर्क होंगे वो दो प्रकार के होंगे, प्यूरीन और पिरिमिडीन। यहां पर जो प्यूरीन पाए जाएंगे उसमें एडिनिन और गुआनिन होंगे, और पिरिमिडीन जो होगा उसमें साइटोसिन और यूरेसिन होगा, थायमिन नहीं पाया जाएगा। और पंच शर्करा जो होगी उसके रूप में डिऑक्सीराइबोज नहीं होगी बल्कि कौन सी होगी, राइबोस शर्करा होगी। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा वो था इंट्रोडक्शन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन आज की जो काम की चीज थी वो ये थी कि ट्रांसफर आरएनए जो था उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ट्रांसफर आरएनए जो शब्द है वो हॉगलैंड ने दिया सन 1957 में। इसकी 2D संरचना या ये कि ये किससे मिलकर बना है, कैसे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है वो बता दिया हॉले ने। इसकी जो 3D संरचना थी वो दी गई है किम नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कुल कोशिका में जितना भी आरएनए पाया जाता है उस आरएनए का 10 से 15% भाग किससे बना हुआ होता है, ट्रांसफर आरएनए से। और उस आरएनए का अणुभार कितना होगा, 25,000 डाल्टन, जिसमें लगभग 74 से लेकर के 95 तक क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बने होते हैं ये आपने भी देखा, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में 3,5-बाईफॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ट्रांसफर आरएनए ये क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय अमीनो अम्लों को मैसेंजर आरएनए के समान या मैसेंजर आरएनए के पास स्थानांतरित करता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, ट्रांसफर आरएनए का। अब हम अध्ययन करेंगे उस संरचना के बारे में जो होले नामक वैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, तो होले नामक वैज्ञानिक है, इसे ट्रांसफर आरएनए के लिए एक संरचना देते हैं। इसे संरचना को क्या कहते हैं, 2D संरचना, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी जैसे किम नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इसकी एक संरचना बताई थी, एल आकार की संरचना है। इसके अलावा किम नामक वैज्ञानिक ने यीस्ट कोशिका के लिए इसकी 3D संरचना भी दी। तो बहुत सी ऐसी संरचनाएं जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, लेकिन सबसे मान्य जो संरचना है वो संरचना किसकी है, होले नामक वैज्ञानिक की। तो होले नामक वैज्ञानिक कौन सी संरचना दे रहे हैं, 2D संरचना। और ये संरचना किस जिस पर आधारित है उसके आधार पर इसका एक नाम भी दिया गया है, और इसे नाम दिया गया है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या नाम दिया गया है इसे, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, तो होले ने ट्रांसफर आरएनए की संरचना को व्यक्त करने के लिए एक मॉडल दिया है। इस मॉडल को कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक, अब ये मॉडल क्या है और इस मॉडल के अनुसार ट्रांसफर आरएनए की संरचना कैसी होती है वो देखिए। देखिए इस मॉडल में सबसे ऊपर की तरफ एडिनिन, साइटोसिन एवं साइटोसिन युक्त जो भाग पाया जाएगा उसे कहेंगे 3' भाग। ये जो ट्रांसफर आरएनए जिसके संरचना हम पढ़ रहे हैं ये कैसा होता है, हमेशा एकल रज्जु की। अब एकल रज्जु की है इसका मतलब क्या होगा, एक डैश, अगर थ्री एक साइड 3' होगा तो दूसरा साइड कैसा होगा, 5'। तो 3' आ गया, जिस पर न्यूक्लियोटाइड्स के अनुसार नाइट्रोजन शाखों का क्रम क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन और एडिनिन। ठीक है, उसके बाद इसके पार्श्व भाग में एक लूप पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक लूप पाई जाती है। इस लूप को कहते हैं टी शाई सी लूप। ठीक है, और यह लूप 7 क्षार युग्मों द्वारा निर्मित होती है। कितने क्षार युग्मों से निर्मित होती है, 7 क्षार युग्मों से ये क्या होती है, निर्मित होती है। और इसे टी साई सी लूप का काम क्या है, इसे टी साई सी लूप का कार्य है राइबोसोम से जुड़ाव। जब प्रोटीन संश्लेषण होगा तो उस समय यह किससे जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ने का कार्य करता है। उसके बाद एक भुजा और पाई जाती है या लूप और पाई जाती है जिसे परिवर्तित या परिवर्तनशील लूप तथा भुजा कहा जाता है। यह अपनी स्थिति क्या करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है।
उसके बाद एक और लूप पाया जाता है, इस लूप को कहते हैं एंटी कोडोन लूप। इस लूप को क्या कहा जाता है? एंटी कोडोन लूप। ये जो लूप होता है यह 6 क्षार युग्मों द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। इस लूप के अंदर कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? 6 क्षार युग्म पाए जाते हैं। और ये जो होता है यह मैसेंजर आरएनए के विपरीत जुड़कर सक्रिय अमीनो अम्लों का इस मैसेंजर आरएनए पर क्या करता है? स्थानांतरित करता है। इसके अंदर जो क्षार युग्म होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के क्या पाए जाते हैं? विपरीत पाए जाते हैं। यानी कि इसके कोडोन मैसेंजर आरएनए के कोडोन के क्या होते हैं? एंटी होते हैं। एंटी मतलब विपरीत होते हैं, इसलिए नाम क्या है? एंटी कोडोन लूप। ठीक है, उसके बाद एक और लूप होगा, इस लूप को कहा जाएगा DHU लूप। क्या कहा जाएगा? DHU लूप। और ये क्या करता है? ये भी 6 क्षार युग्म रखता है। ठीक है, और ये जो DHU है यहां पर, इसे पूरे DHU का मतलब क्या होता है? डाई हाइड्रो यूरिडीन। क्या है इसका मतलब? डाइहाइड्रो और यूरिडीन। ठीक है, उसके बाद ये श्रृंखला यहां जाकर समाप्त हो जाती है, जिसके अंत में गुआनिन उपस्थित होता है और इस अंतिम सिरे को कहा जाता है फाइटेश। ठीक है, तो ये थी ट्रांसफर आरएनए की संरचना। यह संरचना एक क्लोवर पत्ती के जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। जो 3' से प्रारंभ होकर 5' पर क्या हो रहा है? समान। मतलब ये कैसी संरचना है? एकल रज्जु की संरचना। किसने बताया इसके बारे में? हॉले नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो हॉले नामक वैज्ञानिक कहता है कि यहां पर कुछ भाग उपस्थित है ट्रांसफर आरएनए के, जिसमें सबसे पहले आता है 3' भाग। 3' भाग को ग्राही भुजा या अभिग्राही भुजा या एसेप्टर आर्म भी कहा जाता है। एसेप्टर आर्म कह दो, अभिग्राही भुजा ये कह दो, या ग्राही भुजा कह दो। ये ग्राही भुजा या एसेप्टर भुजा या फिर एसेप्टर आर्म क्या करती है? इसके द्वारा सक्रिय अमीनो अम्ल जो होंगे, सक्रिय अमीनो अम्ल जो पाए जाएंगे कोशिका द्रव में, उन्हें क्या किया जाएगा? इनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राही भुजा क्या काम करती है? सक्रिय अमीनो अम्ल को ग्रहण करने का कार्य करती है। उसके बाद एक भुजा और आती है या लूप आता है, जिसे कहा जाता है टी शाई सी लूप। ठीक है, यह लूप ग्राही भुजा के नीचे एवं एंटीकोडोन भुजा के ऊपर, यानी कि ग्राही और एंटीकोडोन भुजा के बीच में पाया जाता है। यह 7 क्षार युग्मों द्वारा निर्मित होता है एवं मैसेंजर आरएनए के साथ जब राइबोसोम जुड़ा होता है, जब भी किसी मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम जुड़ते हैं तो इस प्रकार निर्मित संरचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो ये जो टी शाई सी लूप है, यह पॉलीसोम निर्माण के समय किसके साथ जुड़ती है? राइबोसोम के साथ जुड़ती है। मतलब इसके द्वारा किसके साथ संयोजन किया जाएगा? राइबोसोम के साथ। उसके बाद टी शाई सी लूप के बाद एक और भुजा आएगी, जिसे परिवर्तनशील भुजा कहा जाएगा। यह अपनी स्थिति बार बार परिवर्तित करती रहती है। उसके बाद 6 क्षार युग्म से निर्मित भुजा आएगी, एंटीकोडोन भुजा या एंटीकोडोन लूप। इसके अंदर जो 6 क्षार युग्म उपस्थित होंगे वो विपरीत होंगे, यानी कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित होंगे। किसके आधार पर? मैसेंजर आरएनए के आधार पर। ठीक है, उसके बाद जो भुजा आएगी उसे कहा जाएगा DHU भुजा, डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। और उसके बाद जो भुजा आएगी उसे कहा जाएगा 5'। ये इसका अंतिम भाग है 5', ये इसका प्रारंभिक भाग है 3', ये अंतिम भाग हो गया 5'। इस 5' पर क्या उपस्थित है? इस 5' पर ग्वानिन उपस्थित है, जबकि 3' पर क्या उपस्थित है? एडिनिन साइटोसिन और साइटोसिन उपस्थित है।
ठीक है, तो ये थी होले नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई ट्रांसफर आरएनए की क्लोवर लीफ मॉडल या फिर 2D संरचना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण केंद्रकीय पदार्थों के द्वारा किसकी सहायता से किया जाता है? डीएनए की सहायता से। हमें पता है कि डीएनए जो होता है वह अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को किसमें स्थानांतरित करता है? आरएनए में। यानी कि इस ट्रांसफर आरएनए का निर्माण भी किसके द्वारा होगा? डीएनए के द्वारा। और किन पदार्थों की सहायता से किया जाएगा? केंद्रीय जो पदार्थों के केंद्रक में जो पदार्थ उपस्थित होंगे उनके द्वारा इसका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण या निर्माण कहां होता है? तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इस ट्रांसफर आरएनए के कार्यों की, कि ट्रांसफर आरएनए के कार्य क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिस ट्रांसफर आरएनए की हम बात कर रहे हैं, इसे ट्रांसफर आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। किसमें सहायता करना? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। किसका मुख्य कार्य है? इसे ट्रांसफर आरएनए का। ठीक है, तो हम बात करें ट्रांसफर आरएनए के कार्यों की, फंक्शंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। कैसे करता है वो आपको डिटेल में जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, या सॉरी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे यानी कि अनुवादन पढ़ेंगे, तब इसे देखेंगे कि ये किस प्रकार सहायता करता है। लेकिन अभी सिर्फ मैं इतना बता सकता हूं कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये है ट्रांसफर आरएनए, जैसे ये केंद्रक हो गया, ये पूरी कोशिका हो गई। तो इस कोशिका द्रव्य में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, पहले उन्हें सक्रिय करवाता है और फिर सक्रिय अमीनो अम्ल को अपनी ग्राही भुजा पर जोड़कर उसे स्थान पर स्थानांतरित करता है। नाम इसीलिए तो है इसका स्थानांतरण आरएनए, कि यह उन सक्रिय अम्लों को अपनी ग्राही भुजा पर जोड़कर उस स्थान पर स्थानांतरित करता है जहां पर पहले ही मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़े होते हैं, और जो आगे चलकर किसका संश्लेषण करवाएंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करवाएंगे। तो ये इस प्रकार किसमें सहायता कर रहा है? ये सहायता कर रहा है प्रोटीन संश्लेषण में। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, ये इसका क्या है? कार्य है। तो इसके लिए क्या करता है? सर्वप्रथम ट्रांसफर आरएनए जो होता है, वह ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, किसमें पाए जाने वाले? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों को क्या करवाता है? सक्रिय करवाता है। यानी कि उनमें किसमें बदलता है? पहले सक्रिय अमीनो अम्ल में, उसके बाद इन सक्रिय अमीनो अम्लों को ट्रांसफर आरएनए की ग्राही भुजा द्वारा ग्रहण किया जाता है एवं उसके बाद उस जगह पर स्थानांतरित किया जाता है जहां पर मैसेंजर आरएनए किससे जुड़ा होता है। ये बीच वाला धागा जो है, ये है मैसेंजर आरएनए, और ये जो संरचना है ये है राइबोसोम। तो ये इन्हें क्या करता है? सक्रिय अमीनो अम्लों को इस स्थल पर स्थानांतरित करता है जहां पर मैसेंजर आरएनए किससे जुड़े हुए हो? राइबोसोम पर। और ये संरचनाएं आपस में मिलकर फिर किसका निर्माण करवाती हैं? प्रोटीन का। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या हुआ? प्रोटीन का संश्लेषण करवाना, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करना? सहायता करना। प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से मैसेंजर आरएनए के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो सहायता है मतलब सक्रिय अमीनो अम्लों को जो स्थानांतरण है वो किसके बिना हो रहा है? ट्रांसफर आरएनए के बिना। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें स्टार्ट करेंगे हम मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, चलिए आपका ट्रांसफर आरएनए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मैसेंजर आरएनए। ठीक है, थैंक यू।